तरफ थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे उतरते हैं साइड में, तब वहाँ पर एक बार है जिसमें पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए बैठा करते थे, वो गारे हिरा, गारे हिरा उसको कहते हैं। सबसे ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जब उतरते हैं वहाँ पर वो गार है। और आप अंदाज़ा करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इबादत के लिए मसरूफ़ रहते थे, तो आपकी सौजा और हम सब मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दिन में दो मरतबा ऊपर जाती थी और आती थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना लेकर। वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ादारी और हुज़ूर की मोहब्बत जो उनके साथ थी, अल्लाह ताला उसका कतरा हमें अता करे। और ये जबल नूर इसकी खासियत ये है कि अंधेरा भी हो जाए तो ये पहाड़ गुजारा इसका उसको वजह ये है कि सारे यहाँ पर पहाड़ बहुत हैं लेकिन कुरान की आयतें सबसे पहले जो उतरी हुई इस पहाड़ पर। हाँ, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने अथहर पर जो कुरान की आयतें सबसे पहले कबूल फरमाई वो इसी पहाड़ पर। आज ही हजरात उस पर चढ़ रहे हैं और कंटिन्यू चढ़ते रहते हैं और वहाँ जा कर के दुआ करते हैं। उनकी दुआ करके मौला करीम हम सबको जबल नूर की बरकतें अता फरमाए।